चीज दिखाई दे रही है। आप ये देखिए मेरे चेहरे पे कोई भी मेकअप बिल्कुल भी नहीं है और लिपस्टिक मैंने लगा रखी है। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई करवा चौथ आने वाला है, हम सभी लेडीज का फेवरेट त्योहार आने वाला है। और देखिए आप, मैं कहती हूँ ना कि कमेंट बॉक्स से आप जरूर लिखा कीजिए, तो कमेंट बॉक्स से ही मुझे पता चला कि मैंने अभी तक इसके लिए कोई स्पेशल DIY आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी जिसमें एक बहुत ही अमेजिंग सी रेमेडी बता रही हूँ। मतलब एक मिनट की रेमेडी है, आप इसको यूज करेंगे और आप देखेंगे क्या अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। क्योंकि किसी से मुझे ये पता चला, क्योंकि मैं अभी आपको पता है कि मैं अपने मायके में हूं और यहाँ पर पास में एक मेरी फ्रेंड है जो कि इसका यूज कर रही हैं और उनका चेहरे पे मैंने एक्चुअली में बदलाव देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या यूज कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे बताया। फिर उसके बाद मैंने इंटरनेट पे इसको सर्च किया तो मुझे अच्छा लगा उसके रिजल्ट, जैसे बाकी लोग बता रहे थे, काफी ब्लॉग जो है मैंने उसके पढ़े तो अच्छा रिजल्ट बताया। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं अपने चेहरे पे अप्लाई कर लूँ। तो पिछले 15 दिनों से मैं अपने चेहरे पर इसको अप्लाई कर रही हूँ और लिटरली मैं कहूँ कि बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। मैं आपको करीब से अपना फेस दिखाना चाहूंगी। मैंने अपने चेहरे पे कुछ भी मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ है और मतलब फेस ना एक अंदर से ग्लो दिखाई दे रहा है, एक नेचुरल, जैसे कहते हैं ना निखर गई है स्किन, वैसी चीज दिखाई दे रही है। आप ये देखिए मेरे चेहरे पे कोई भी मेकअप बिल्कुल भी नहीं है और लिपस्टिक मैंने लगा रखी है। जी हाँ, तो ये जो रेमेडी है ये बहुत सिंपल सी है, वो है ये एक कैप्सूल। ये विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है, ये है फिश ऑयल यानी कि मछली का जो तेल होता है उसका ये कैप्सूल है। और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ पिछले 15 दिनों से अपने फेस पे, इसकी मैं मसाज कर रही हूँ। देखिए ये जो ऑयल है ना ये आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करती हूँ, इसको पहले फेस वॉश कर, जैसे नाइट स्किन केयर जो रूटीन होता है मेरा उसमें मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले अपना फेस वॉश करती हूँ, टोनर अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं ये अप्लाई करती हूँ एज अ सीरम। मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से इसकी मसाज करती हूँ। मसाज करने के लिए मैं कम से कम 5 या 10 मिनट जरूर देती ही हूँ केवल इस ऑयल को। इसके बाद मैं नाइट क्रीम जो है वो अप्लाई करके सो जाती हूँ। तो ये मेरा एक रूटीन है जो कि मैं अप्लाई करती हूँ। इसके अलावा आप कैसे यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी पैक में, कोई भी फेस पैक अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें आप इसको अप्लाई कर मतलब डाल सकते हैं और अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। लेकिन ये चीज का ध्यान रखिए कि आप इसे रात में ही अप्लाई करें। देखिए मैं ज्यादातर हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी DIY चीज है ना वो रात में अप्लाई करेंगे ना उसका रिजल्ट आपको फास्ट और अच्छा दिखाई देगा। तो ये फिश ऑयल है जो कि मैं अभी आपको बता देती हूँ किस तरीके से मैं यूज कर रही हूँ। तो ये ऑयल मैंने कैप्सूल में यहाँ से ले लिया और फेस पे अप्लाई कर लिया है। 10 मिनट तो लग ही जाती है इस पूरे ऑयल को अब्सॉर्ब होने में। अब बात करते हैं स्किन टाइप के बारे में। अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, तो आपको क्या करना है, अपनी इसके बाद आप क्रीम जो है नाइट क्रीम वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो बस यहां तक कर लीजिए, या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा ऑयल लग रहा है आपके फेस पे तो जितना एक कैप्सूल से मतलब थोड़ा सा आप ऑयल या फिर एक बॉटल मंगा लीजिए फिश ऑयल की, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से थोड़ा सा ले लीजिए और उसको अपने फेस पर अप्लाई कीजिए। उसके बाद आप नाइट टाइम जो नाइट क्रीम है उसको अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि मसाज करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर यहाँ पे आई बटन है, यहाँ पे है शायद, तो आप उसको क्लिक कर लीजिए, आपको वीडियो वहां पर भी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं क्या मसाजिंग पॉइंट्स होते हैं जिससे आपको फायदा मिलेगा। न केवल आप अपने चेहरे में बल्कि अपने बालों में भी आप फिश ऑयल को यूज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज हम चेहरे की ही बात कर रहे हैं, बालों की बात कभी और करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने आज ऑयल लगाया, रात में लगाया, सुबह उठते ही आपके चेहरे पे एक निखार आ जाएगा, तो मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं होगा। आपको ये कंटिन्यूसली करना होगा, कम से कम 15 दिन तो आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगी कम से कम 1 महीना इसको रेगुलर यूज
करेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक तो आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छा निखार आएगा, स्किन पे कोई दाग धब्बे हैं स्पेशली एक्ने जिनके होते हैं ना वो भी दूर होंगे। साथ ही साथ चेहरे को लिफ्ट करने में यानी कि चेहरे में जो ना एक कसाव लेके आता है जिससे लटका हुआ जो चेहरा होता है उस वो एक लिफ्ट किया हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक चीज और कहूंगी कि ना केवल मैं एक यही चीज कर रही हूँ बल्कि मैं पोटैटो फेशियल का यूज भी कर रही हूँ। अभी तक मैंने 2 बार पोटैटो फेशियल कर लिया है अपने चेहरे पर और करवा चौथ जैसे 4 तारीख की है तो मैं 2 तारीख को पोटैटो फेशियल फिर से यूज करने वाली हूँ। इसके ऊपर भी वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन में आपको मिल जाएगा, साथ ही वीडियो के लास्ट में भी मैं उसका लिंक दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेशियल आपको मिल जाएगा तो वो जरूर कीजिएगा। उससे तो आपको जो कहते हैं ना इंस्टेंट आपको फेशियल मतलब एक ग्लो चाहिए या फिर एक निखार चाहिए अपने चेहरे पर वो मिलेगा। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मैं केवल फेशियल तो मैं कर ही रही हूँ, जो बाकी के जो बीच के जो दिन है ना तो फेशियल में ही जो पोटैटो फेस पैक आता है वो मैं डेली यूज कर रही हूँ तो उसका काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप अगर ध्यान रखेंगे तो इस करवा चौथ पे आप ही आप दिखाई देने वाले हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, होपफुली आपको फायदेमंद लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको उसका फायदा लगा या नहीं। चलिए बाय।